एक छोटे से गांव में एक नदी बहती थी। गांव वालों का मानना था कि नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है, जो रात को रास्ता भटक जाने वाले लोगों को गुमराह करती है। इस डर से कोई भी रात के समय नदी के पास नहीं जाता था। रवि नाम का एक युवक इस गांव में रहता था। वो बहुत ही साहसी और निडर था। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो रात के समय नदी के किनारे जाएगा और देखेगा कि सच में कोई भूत है या केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। रवि ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने भी उसका साथ देने का साहस नहीं दिखाया। उसने अकेले ही नदी किनारे जाने का फैसला लिया। रात का समय हो चुका था। रवि अकेला ही नदी के पास चला गया। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की छवि दिखाई दी, जो उसके पास आ रही थी। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और औरत से पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं एक साधारण इंसान थी, लेकिन एक बार नदी पार करते समय मेरी नाव पलट गई और मैं डूब गई। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। रवि ने औरत से कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत ने कहा, तुम्हें गांव वालों से कहना होगा कि वो नदी पार करने के लिए एक पुल बनवाए ताकि कोई और हादसा ना हो। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरुआत में किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन रवि की सच्चाई और साहस को देखते हुए सबने मिलकर नदी पार एक मजबूत पुल बनवाया। इस घटना के बाद बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिली और वो कभी किसी को परेशान नहीं करती। गांव वाले भी नदी पार करने में सुरक्षित महसूस करने लगे।